इसको ध्यान से देखोगे तो ये पत्थर, इतना जो बड़ा आपको पत्थर दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल हवा के अंदर लगा हुआ है। सकते हो आप अभी पर जोत चल रही है और इधर भी। हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ट्रेवल व्लॉग है राजस्थान के जोधपुर जिले से मात्र 40 किलोमीटर दूर ग्राम खेजला माँ बैसाद माता जी के टेंपल का होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ऐसी रहस्यमय व चमत्कारी चीज़ों से परिचित कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं बैसाद माता जी के टेंपल की ओर। अभी हम पहुंचे हैं खेजड़ला, जहाँ पर माँ चामुंडा जी का मंदिर है पहाड़ी के ऊपर। अभी आपको मेरे पीछे पहाड़ी नजर आ रही है, वहीं पर वो मंदिर है। जब अभी फिलहाल यहाँ पर नीचे थोड़ा घूम लेते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। तो देख सकते हो दोस्तों मंदिर के बाहर खड़े हैं और ये मेन गेट, यहाँ से पीछे प्रसाद लेने की छोटी मोटी दुकानें लगी गई हैं। बैसाद माता का मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले से खेजड़ला गांव में स्थित है। दोस्तों कहा जाता है कि मां बैसाद 1700 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन के काल में गुफा के रास्ते से खेजड़ला ग्राम पहुंची थी। आज भी नवरात्र के दिन मेला सा माहौल रहता है। तो दोस्तों ये माँ बैसाद माता जी का मंदिर जो कि पहाड़ी पर काफी ऊंचाई पर बना हुआ है दोस्तों। तो अभी आप माँ बैसाद माता जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। माँ बैसाद के द्वारा गुफा में यहाँ आने वाले रास्ता आज भी भक्तों के लिए आरती का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि गुफा का एक सिरा बिलाड़ा के डींगड़ी माता के मंदिर के पास खुलता है तथा दूसरा सिरा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में खुलता है। दोस्तों इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि आपको हर एक देवी की मूर्ति के पास आपको श्री गजानन जी महाराज की मूर्ति मिलेगी। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, बिल्कुल गुफा के अंदर है, यानी पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर माता जी का मंदिर है। देख सकते हो आप अभी यहाँ पर जोत चल रही है और इधर भी श्री गणेश जी महाराज का मंदिर है और सामने माता जी की प्रतिमा है। तो यहाँ से आगे हैं, वहाँ पर भी एक चमत्कारी पत्थर भी रखा गया है दोस्तों, तो वहाँ पर भी चलेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक और गुफा के अंदर मंदिर है। तो दोस्तों फिलहाल हम मंदिर के ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ पीछे मंदिर है, वहाँ पर भी हमने देखा था, और इधर एक और मंदिर है वो भी गुफा के अंदर है और उसके आगे एक चमत्कारी पत्थर है, वहाँ पर भी हम चलते हैं। तो पहले यहाँ पर एक और छोटी सी गुफा के अंदर मंदिर है दोस्तों, ये सामने, तो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर भी। दोस्तों तो देख सकते हो आप ये गुफा के अंदर मंदिर बना हुआ है और ये जो दिख रही है आपको ये पत्थर है, बहुत ही बड़ा एक विशाल गया पत्थर है जिसके नीचे ये गुफा बनाई गई है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे ही मंदिर है, मंदिर में माता जी का यहाँ पर संग वगैरह और भी कुछ धूप वगैरह कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी आपको आगे लेकर चलते हैं जहाँ पर चमत्कारी पत्थर है, तो वो किस तरह कितना बड़ा पत्थर और कैसे मतलब अटका हुआ है, तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों मंदिर के मेन शिखर पर चढ़ने पर हम पूरे गांव का खुला नजारा देख सकते हैं जो कि अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों मंदिर में कुछ ही दूर हवा में झूलती हुई एक चट्टान जो गांव की तरफ इतनी झुकी हुई है कि मानो हवा में वेग से ही गिर जाएगी, लेकिन दोस्तों ये माता जी का एक चमत्कार है। कहा जाता है कि एक समय में ये चट्टान गांव की तरफ गिर रही थी, तभी माँ बैसाद ने अपने घुटने से इसे रोका था जिसका निशान आज भी मौजूद है। दोस्तों ये चट्टान इतनी बड़ी और वजनी है कि आधे गांव का खात्मा कर सकती थी, आज भी ये चट्टान हवा में झूलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों इस चट्टान के नीचे से रस्सी आर पार निकाली जा सकती है, लेकिन अभी इस चट्टान के नीचे कुछ कचरा और कुछ चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े घुसने से हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा ये टिकी हुई है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल हवा के अंदर झुकी हुई है। दोस्तों वो ध्यान से देखोगे तो ये पत्थर, इतना जो बड़ा आपको पत्थर दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल हवा के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ से हम खुला देख सकते हैं, ये जमीन के टच नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से बारीकी से, आपको उस तरफ का जो उजाला है वो नजर आएगा। तो देख सकते हो अभी ये नीचे जो कंकड़ पत्थर और कुछ चीजें हैं जो चली गई है, नहीं तो ये पत्थर है दोस्तों हवा के अंदर ही है, बिल्कुल टिका नहीं है। और इसकी हाइट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों ये कितना बड़ा पत्थर है।
दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।